बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ISL 202 पर लेक्चर नंबर 15 करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस का पार्ट 2 करेंगे। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस्लामिक जो ज्यूरिसप्रूडेंस है, इसके अंदर कौन कौन से डिस्टिंक्शंस मौजूद हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि यूनिक हैं, इसी जस्ट हमारी इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के साथ ही जुड़े हुए हैं। यूं समझ लें कि हम लोग फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके खसूसियात के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये आप लोगों की मिड टर्म की लास्ट वीडियो है, तो मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से मैं आप लोगों को एक तो बता दूँ कि ये जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं सारे, एक तो आप लोगों ने इनको अच्छे से सुन लेना है, और जो क्विजेज वीडियोस हैं उनको आपने लाजमी देखना है। आपके भी जो क्विज वगैरह जो भी आते हैं, जो क्विजेज वीडियोस अपलोडेड है, वही आप लोगों ने करनी होती हैं, ठीक है। वही मैंने सारी अपलोडेड जो की हुई है ना, मैं वो इसलिए नहीं करती कि जस्ट एक ही साल बच्चों के वो क्विज में आता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को 60, 70, 80, बस 100 MCQs दे देती हूँ, ताकि आप लोगों के मिड टर्म में भी वो रिपीट होते रहते हैं, और आप लोगों के फ्यूचर में कभी भी कोई क्विज आता है इस्लाम में तो उसमें भी वो रिपीट होते रहते हैं। तो अपने क्विजेस वीडियोस को भी लाजमी देख के जाना है, और बाकी जितने आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह चाहिए वो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। ईको 401 और SOC 101 के लेक्चर्स आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो हमारे चैनल पर जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप लोगों को वैसे कहीं और से नहीं मिलने वाले। क्योंकि ईको 401 का जो आप लोगों के जो पेपर होता है वो भी कंसेप्चुअल होता है, आप लोग जब तक लेक्चर नहीं सुनेंगे तब तक आप पेपर नहीं दे सकते, चाहे आप लोग वो MCQs बेस्ड पेपर आए या चाहे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आए, दोनों तरह से आए। तो एक तो आप लोगों को ईको 401 के लेक्चर्स पूरे और किसी और चैनल के मिलते भी नहीं हैं, हमारे हाल में सर्टेन साइज पे अवेलेबल हैं, वो आप लोग एक तो ले लीजिएगा लाजमी। और इसके अलावा जो सोशियोलॉजी SOC 101, उसके अपडेटेड लेक्चर्स हमारे चैनल पे मौजूद हैं, तो आप लोग उनको भी लाजमी लीजिएगा, क्योंकि वो भी पेपर सारा कंसेप्चुअली होता है, चाहे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो या चाहे आप लोगों के जस्ट MCQs हो। MCQs पेपर आता है, आप लोग ज़्यादा इजी ना लिया करें, आप लोग ये नहीं कह सकते आप लोग लेक्चर्स को छोड़ देंगे। MCQs पेपर अगर होता है तो फिर तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों के देखिए ना, शॉर्ट लॉन्ग हो अगर आप लोगों को नहीं आ रहा, आप खुद से भी 2-4 गप्पे छोड़ेंगे तो 2 नंबर ना सही तो 1 नंबर तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। MCQs में क्या होता है कि आपके कंसेप्ट इतने अच्छे बिल्ड होने चाहिए कि MCQs अगर आप लोगों ने एक दफा गलत कर दिया तो बस आप वो पक्का गलत ही, आपको आधा नंबर उसका नहीं मिल सकता, ठीक है। हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर एक तो यह कि कम्प्रीहेंसिवनेस मौजूद है, जामईयत मौजूद है, यानी कि इसमें इंसान की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। जितनी भी ज़रूरी रोज़मर्रा की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड हो सकते हैं, वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर मौजूद है वो है परमानेंस, यानी कि परमानेंट है। इस्लामी जितने भी कवानीन वगैरह हैं, जितने भी अहकामात हैं, वो परमानेंट हैं, वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप लोगों को कुरान और सुन्नत में कोई चीज़ नहीं मिल रही, ठीक तरह से उसका आंसर नहीं मिल सकता, तो आप फिर क्या करेंगे कि अपने इस्लाम के जो भी लाज हैं उसकी रोशनी में आप इज्तिहाद करेंगे, तो इज्तिहाद की फिर जो है ना वो गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। उसके बाद आगे हम लोग दर्स देते हैं इक्वालिटी का, सॉरी इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस में जो और चीज़ है वो इक्वालिटी आ जाती है। तीसरी चीज़, ये सिर्फ इस्लाम की ही एक खूबी है कि इसमें तमाम जितने भी इंसान हैं सबको इक्वालिटी दी गई है। अल्लाह ताला के नज़दीक वही सबसे ज़्यादा ऑनरेबल होता है जो कि अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरता है। तो तकवा की बुनियाद पर होती है स्ट्रेटिफिकेशन, अगर होती भी है तो अदरवाइज नहीं होती। दूसरी बात, आखिरी सॉरी चौथी बात ये कि इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस के अंदर एप्लीकेबिलिटी मौजूद है, आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें, इसमें हमें नमाज के भी अहकामात मिलते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर आप लोग इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन आप लोग इसको, इसके अंदर फ्लेक्सीबिलिटी मौजूद है, ठीक है। अब इसमें
वैसे तो हमें हुक्म है कि जब आप लोगों ने नमाज अदा करनी है तो आप लोगों ने खड़े होकर अदा करनी है, लेकिन अगर किसी उजर की वजह से खड़े होकर अदा नहीं कर सकते तो आप बैठ के अदा करें, बैठ के भी नहीं कर सकते, आप लेट के अदा कर लें। इस तरह से अगर हम लोग हज और ज़कात की बात करें, बेशक वो फ़र्ज ज़रूर है लेकिन उसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि हज और ज़कात सिर्फ वही अदा करते हैं जो उनको अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेचर की बात करते हैं इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस की, तो इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस की नेचर यह है कि नॉन हरज, यानी कि इसके अंदर कोई हरज मौजूद नहीं है। हरज का मतलब होता है हार्डशिप, कोई मुश्किल पेश आना, तंगी होना, कोई चीज़ मुश्किल से करना। तो इस्लाम की जो अहकामात हैं अगर आप लोग उसको फॉलो करें आपको कभी कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही ईजी है उनको फॉलो करना, ठीक है। हमारे मज़हब में कोई डिफ़िकल्टी मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला किसी भी रूह पर उसकी गुंजाइश से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का ये यहाँ पे बताया गया कि अल्लाह डज नॉट चार्ज अ सोल एक्सेप्ट इट्स कैपेसिटी, अल्लाह ताला किसी पर भी उसकी सलाहियत से बढ़ के बोझ नहीं डालते। जैसे अब जहाद देख लें, कोई अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, बीमार है, वो जहाद नहीं कर सकता, वो अफोर्ड, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा ना, तो इसीलिए उन पे जहाद फर्ज नहीं है। इस तरह से ज़कात और हज उन लोगों पे फ़र्ज नहीं है जो किसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा जो शरीयत है इसके अंदर ग्रेजुअलिटी पाई जाती है। ग्रेजुअल का मतलब ये है कि एक चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता आना। हौली कुरान में, कुरान पाक में जितने भी अहकाम आए हैं वो सारे इकट्ठे एक ही दफ़ा पे नाजिल नहीं हो गए, बल्कि इसके अंदर प्रिंसिपल मौजूद था ग्रेजुअलिटी का। टाइम और नीड और सिचुएशन के हिसाब से ही वो रिवील होती नहीं है। आप लोगों का सीक्रेट भी आता है कि हॉली कुरान कैसे रिवील हुआ, तो अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग देखें तो अगर कोई नापाक हो तो उनको ये कहा कि नापाकी की हालत में नमाज नहीं पढ़नी, आप पहले वुजू करें। वुजू का भी मजीद पर ये भी बताया गया कि अगर वुजू के लिए पानी नहीं है मौजूद तो आप तयम्मम करें। और उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे तर्जमा है कि ये आप लोग उसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दे कि ये बहुत बड़े गुनाह हैं, बेशक इसमें कुछ फ़ायदे तो हैं लेकिन जो गुनाह है वो ज़्यादा बड़े हैं, फ़ायदे कम हैं, ठीक है। और ऐ ईमान वालो, अगर तो तुम ईमान रखते हो तो बेशक जो शराब और जुआ और ये जो शराब या नशे की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो, और उसके बाद यहाँ पे डिवाइनिंग एरोज की बात की गई है, ये एक तरह से वो जुआ लगाया जाता था, तीर फेंके जाते थे और वो इस तरह से ना शर्तें लगाई जाती थी, वो ये शैतान के काम है, इसीलिए इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम फल पा सको, ठीक है। अच्छा आगे अब हम लोग आते हैं कि हम फिक्र में डिसएग्रीमेंट भी मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ इमाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो हर इमाम की जो राय है वो डिफरेंट है, तो वो डिसएग्रीमेंट्स आए कहाँ से हैं? ये असल में आए हैं, देखिए हम तो ये कहते हैं ना कि कुरान पाक और सुन्नत में से ही देखा जाता है, तो बेशक कुरान पाक और सुन्नत तो एक जैसी हैं, लेकिन कुरान पाक और सुन्नत को हर इमाम ने खुद इंटरप्रेट किया है, तो उनकी इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस था। हर इमाम ने अपनी अकल, अपनी समझ बूझ के मुताबिक, अपनी इल्म के मुताबिक उन्होंने इंटरप्रेट किया है, तो कोई भी इंसान एक जैसा तो नहीं ना इंटरप्रेट कर सकता, तो इंटरप्रिटेशन में क्योंकि डिफरेंसेस थी इस वजह से फिक्र के जितने भी इमाम हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस में डिफरेंसेस थे, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ तो कोई कम्युनिकेट नहीं की प्रॉब्लम्स के, उनको मिल बैठ के वो सॉल्व करते, बल्कि उन्होंने मुसलमानों पर ही छोड़ दिया कि वो खुद अपने ओपिनियन के मुताबिक उनको जो ओपिनियन अच्छा लगता है वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लें। ये जो डिफरेंस इसके अंदर पाए जाते हैं हम लोग उसको माइनर डिफरेंस बोलते हैं। कुरान पाक की जो रेसिटेशन है उसमें भी इवन के डिफरेंसेस हैं, यानी कि हर इंसान वो डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकता है, और इमाम जो थे उन्होंने भी ऐसा ही किया है। जैसे है कि ऐ ईमान वालों, जब तो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो तो पहले अपने चेहरों को धो लिया करो और हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो और अपने गीले हाथों के साथ अपने सरों का और अपने पाँव का मसा कर लिया करो। अब यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना पाँव के लिए वो है अर्जुलकुम, ये ठीक है, अपने पाँव ठीक है टखनों तक धो लिया करो। अच्छा यहाँ पे अर्जुलकुम का एक तो ये भी मीनिंग लिया जाता है कि अर्जुलकुम कि अपने हाथ और जो फेस है उसके साथ अपने जो फीट हैं उनको धोना है, ठीक है।
लेकिन इसी तरह से एक वर्ड इस्तेमाल होता है अरेबिक में, अर्जुलिमकिम। इसका मतलब ये होता है कि मसा अप्लाई किया जाएगा सर और उसके बाद पाँव पे। यहाँ पे वो इंटरप्रिटेशन है ना ये इस तरह से कि कुछ कहते हैं कि पाँव को धोना चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं मसा करना चाहिए। तो जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि दोनों जो फीट हैं अगर तो वो सॉक्स के अंदर हैं तो फिर मसा किया जाए, और अगर वो नंगे हैं तो फिर उनको धो दिया जाए। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया था। इसी तरह से और भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स मौजूद हैं। जैसे सहाबा कराम के ज़माने की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सहाबा कराम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे ना, तो सारे इकट्ठे तो नहीं मिलते थे, इसलिए कुछ अहादीस कुछ सहाबा कराम को पता चलती थी तो कुछ को वो पता नहीं होती थी। तो इसी तरह से जब ग्रैंड मदर का जो एक वरासत में हिस्से का एक प्रॉब्लम अराइज हुआ था, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता नहीं था इस हदीस के बारे में, तो एक सहाबी थे मुहीद बिन शुबा और मोहम्मद बिन मुस्लिमा, इन्होंने ये कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रैंड मदर का छठा हिस्सा होता है वरासत में। इस तरह से हज़रत उमर फारूक को नहीं पता था, वो जो होता है ना कि आप किसी के घर में जाते हैं तो आप 3 दफ़ा सलाम लें, अगर जवाब आया तो ठीक वरना आप लोग वापस चले जाएं, यानी कि परमिशन लेने के बारे में था ना, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये हज़रत उमर को नहीं पता था, उन्होंने डायरेक्टली नहीं सुना था, तो इनको फिर हज़रत अबू मूसा अशअरी ने बताया था इस हदीस के बारे में। वबा से रिलेटेड जो एक हदीस हमें मिलती है कि जिस इलाके में वबा होती है वहाँ पे ना जाया करो, तो ये वाली हदीस भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने क्लैरिफाई की थी। उसके बाद कुछ डिसएग्रीमेंट्स इस वजह से भी होते हैं कि अहादीस के जो प्रूफ्स होते हैं ना उनमें भी डाउट होता है। एक अहादीस एक इमाम की नज़र में बिल्कुल ऑथेंटिक होती है उनके रिसर्च के मुताबिक, लेकिन दूसरे इमाम के रिसर्च के मुताबिक वो ऑथेंटिक नहीं भी होती। तो क्योंकि प्रूफ में डिफरेंसेस होते हैं, तो ये भी वजह है कि इमाम जितने भी उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन दी उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे तयमम की हम लोग मिसाल लेते हैं, तो अगर तो पानी नहीं है और ना ही, और या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकता किसी उज़र की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो हज़रत उमर का ओपिनियन ये है और हज़रत इबन मसूद का भी ये है कि जब आप जो जनाबत की हालत में अगर तो पानी नहीं है तो तयम्मुम तो कर ले, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज तभी पढ़ें जब नहा लेंगे। तो हज़रत तो इसी तरह से वो फिर हज़रत अमार बिन जसार ने एक अहादीस मुबारक वो बताई थी कि जब वो ऊँट पे सवार थे हज़रत उमर और हज़रत अमार बिन जसार, तो नहीं हज़रत अमार बिन जासर लिखा हुआ, सॉरी आई थिंक यहाँ पे इन्होंने हज़रत अमार बिन यासर साहब भी, चले खैर अभी हम लोग चलते हैं। तो ये जो थे ना ऊँट पे जा रहे थे दोनों सवार होके, तो फिर नापाकी की हालत जब इनको आ गई थी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो तयम्मुम का उनको बताया था, हज़रत अमार उतरे घोड़े से और उन्होंने खुद को ना वो मट्टी के थ्रू उन्होंने एक तरह से वो तयम्मुम किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने फिर मट्टी ली अपने हाथ में और उनके फेस पे और दोनों हाथों पे कोहनियों तक ना वो मलती और मतलब उनको वो तयम्मुम करवाया था। तो इस बेस पे अब कुछ जो है ना वो कहते हैं कि ऑथेंटिक है हदीस, जो कुछ कहते हैं ऑथेंटिक नहीं है, तो तयम्मुम से रिलेटेड भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स पाए जाते हैं। अब नेचर और रीज़न क्या हो सकती है फिक में जो भी डिसएग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसमें, एक तो मैं आप लोगों को ये बता चुकी हूँ कि हर कोई टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करता है और डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है, ठीक है। तो जो इमाम होते हैं ये हमेशा वही अडॉप्ट करते हैं, उस मीनिंग को अडॉप्ट करते हैं जो कि शरीयत के ऑब्जेक्टिव्स शरीयत के असूलों के ज़्यादा क्लोज़र होता है, ठीक है। अब दूसरी वजह ये भी होती है डिसएग्रीमेंट की कि बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके एक मीनिंग नहीं होता, एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, इस वजह से भी डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान। ऐसे लफ्ज़ है आइन, अब अरेबिक में इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसको आइन को आँख भी कहा जाता है, हर चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसको भी आयन कहा जाता है, किसी पसंदीदा चीज़ को भी आयन कहा जाता है, सोने को आयन कहा जाता है, और जो लड़की लड़की होती है गर्ल उसको भी आयन कहा जाता है। इस तरह से एक लफ्ज़ होता है करा, करा अब स्टेट ऑफ प्योरिटी यानी कि पाकी की हालत के लिए भी इस्तेमाल होता है, नापाकी की हालत के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो दो तरह से, तो ये एक वजह है कि जो
यहाँ पे एक आयत में अकारा यहाँ पे मौजूद है कि जब कोई डिवोर्स्ड औरत तब तक सुलह कर सकती अपने हस्बैंड के साथ जब तक उसके 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं गुजर जाते, ठीक है। और कुरान पाक में ये बताया गया है कि जो कुछ उनके रहमों में है वो ना छिपाएं जो कि अल्लाह ताला ने उनके रहमों में बनाया है, अगर वो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत पर यकीन रखती हैं तो। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्टेरियनिज्म के ऊपर। ये फ़िरका वारियत की जो एक प्रोहिबिशन है, ये क्यों है और फ़िरका वारियत क्यों है, कैसे सुन्नत ख़त्म कर सकते हैं और यूनिटी की क्या इम्पोर्टेंस है। सिमिलैरिटी की एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमेशा हमारे यहाँ अब क्या होता है कि कोई इंसान अपनी पोजीशन को सिर्फ ठीक समझता है और जो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जिस दीन को इंसान को खुद फॉलो कर रहा होता है उस दीन के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन जो मुखालिफ दीन के जितने भी लोग होते हैं उनसे नफरत करता है, उनके बारे में गलत बातें करता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेक्टेरियनिज्म बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के मूड और इस तरह के एटीट्यूड को, जब कहीं पर भी कोई बैलेंस नहीं होता, मॉडरेशन नहीं होती, मैना रवि नहीं होती, तो हमेशा जुल्म और इंसान फिर वो इनह्यूमैनिटी की तरफ फिर चला जाता है, यहाँ से सेक्टेरियनिज्म जन्म लेती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरका ना फैलाओ। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि सेक्टेरियनिज्म के काजेज कौन कौन से हैं। तो दो तरह के काजेज होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल काजेज और एक होते हैं इंटरनल काजेज। एक्सटर्नल काजेज में वो आ जाता है कि अपने मुल्क के बाहर के जितने भी ममालिक होते हैं उनकी वजह से कुछ सेक्टेरियनिज्म हो रही होती है। जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया का आपस का झगड़ा, अमेरिका ने अटैक किया इराक और अफगानिस्तान पे, उसके बाद अरब और इसराइल की आपस में जंग, ईरान और इराक का आपस में कन्फ्लिक्ट, सीरिया और यमन में जो सिचुएशन चल रही है वो, इन सब की वजह से फिर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के में जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़िरका वारियत फैली थी। लेकिन हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बाहर के ममालिक की वजह से फ़िरका वारियत फैलती है, कुछ इंटरनल काजेज भी होते हैं। इंटरनल काजेज में 3 तरह के काजेज आ जाते हैं। सबसे पहले होते हैं स्टेट काजेज, उसके बाद जो दूसरे होते हैं वो होते हैं रिलीजियस काजेज, ठीक है, और तीसरे इन्होंने जो है वो बताए नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, स्टेट काजेज कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमारी जो हुकूमत होती है या हमारा जो अपने मुल्क होते हैं उनकी कोई ना कोई गलती होती है। वो गलती कौन कौन सी होती है, हमारी हुकूमतें क्या करते हैं कि कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, यानी कि कोई एक फिरके को चलाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। क्यों प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उनको वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ कोई अफेक्टिव कानून मौजूद नहीं है सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कि ये जो फिरका वारियत है वो ना फैलाई जाए। कोई अफेक्टिव पॉलिसी या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भी नहीं मौजूद जो कि ऐसी तरीकों को रोक सके जो तरीके या सेक्टेरियनिज्म को फैलाते हैं और शिद्दत पसंदी को फैलाते हैं, जैसे मैगजीन और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है। और हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के जो सियासी और जो मजहबी लीडर्स होते हैं, वो जब सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ किस्म के सऊदी अरेबिया और ईरान की एम्बेसीज में जब मुलाकातें वगैरह कर रहे होते हैं तो उन मीटिंग्स के ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता और कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती हमारे यहाँ जो कानून बनाने वाले इदारे होते हैं उनको, ताकि वो कोई कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स को डील कर सकें। और उसके बाद जो शरीयत के जो कानून जवाबित हैं, अगर सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये एक अफेक्टिव टूल साबित हो सकते हैं कम्युनल रायट्स, यानी कि ये जो जितने भी दंगे फसाद होते हैं उनको रोकने के लिए। अच्छा, दूसरे तरह के जो काजेज होते हैं सेक्टेरियनिज्म, वो होते हैं रिलीजियस काजेज, यानी कि हम क्या करते हैं कि मजहब की बुनियाद पर ही हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं दूसरे फ़िरकों के बारे में कि जिसकी वजह से झगड़े वगैरह होते हैं। जैसे शिया जो होते हैं उनको काफिर कहा जाता है क्योंकि वो खलीफा और सहाबा कराम की इंसल्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि कुरान पाक अब तब्दील हो चुका है। इस तरह से जो बरेलवी होते हैं उनको पॉलीथिस्ट कहा जाता है, वो कहा जाता है उनके बारे में कि ये तो मुशरिक है, शिर्क करते हैं, एक से ज्यादा खुदाओं को मानते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं। जो देवबंदी हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये उनके बारे में कहा जाता है, क्योंकि देवबंदियों के जो बड़े जो आलम थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स में, अपने कुछ बुक्स में इंसल्टिंग वर्ड्स लिखे हैं। उसके बाद जो अहले हदीस हैं उनको खारिजीज कहा जाता है,
खालिदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कहा जाता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की एक तो रिस्पेक्ट नहीं करते और जो बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं चार उनको भी नहीं मानते, उनको भी वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हमारा अपना जो बिलीफ, हम क्या करते हैं कि हम अपने अपने बिलीफ और अपने क्रीड को हम लोग ट्रू कहते हैं, सही कहते हैं, और हम अपने अलावा हम जितने दूसरे भी फिरके होते हैं हम लोग उनको हमेशा फॉल्स कहते हैं। यही वजह है कि सेक्टेरियनिज्म कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा बढ़ती चली जा रही है। अब हमें यूनिटी को प्रमोट करने के लिए और भाईचारे को प्रमोट करने के लिए और सेक्टेरियनिज्म को ख़त्म करने के लिए क्या क्या इकदाम लेने चाहिए। एक तो हमें भाईचारे का तस्वर, जो यूनिटी का जो तस्वर होता है वो हम एक तो प्रमोट करना चाहिए। हमें जो बिलीफ है क्या, अकीदा क्या है, इसको हमें कॉमन टर्म्स में मानना चाहिए, सबको एक जैसा मानना चाहिए अकीदे को, और डिफरेंसेस को ख़त्म कर देना चाहिए। एक पॉजिटिव स्टाइल अप्रोच कर हमें जो है ना वो यूज़ करना चाहिए जब भी तबलीग करनी है तो, और बर्दाश्त हमें पैदा करनी चाहिए। हमें कुरान पाक भी बर्दाश्त का हुक्म देते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त को बहुत ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। और मज़हबी जितनी भी तालीम दी जाती है इसके लिए जॉइंट इंस्टीट्यूशंस बनाए जाने चाहिए, जिसमें वो हर जो फ़िरके के उलमा वगैरह अगर हैं भी तो वो सारे इकट्ठे वहाँ पर पढ़ाएं ना। ये हर फ़िरके के जो इकट्ठे इकट्ठे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेक्टेरियनिज्म होते हैं, तो जॉइंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। आजकल की जो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए स्कॉलर्स के लिए, ताकि स्कॉलर्स ख़ुद भी मॉडर्न एजुकेशन में आके पढ़ाएँ। इस वजह से ये भी एक चीज़ है कि सेक्टेरियनिज्म ख़त्म हो सकती है। और रूहानी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग ये ट्रेनिंग दें तो भी सेक्टेरियनिज्म ख़त्म हो सकती है। तो ये आपका आज का मिड टर्म का जो जितना भी सिलेबस था वो हो गया है कम्प्लीट। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आगे वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।